ये हमारा नया व्लॉग है गाइस, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों? कोरोना बहुत फैल रहा है तो इसलिए घर में रहिए, सेफ रहिए। तो आज हम बना रहे हैं अपना तीसरा व्लॉग। तो गाइस कुछ ऐसा है कि जो पहला व्लॉग हमने बनाया उसी का ये दूसरा भाग है अब तक का सफ़र का। तो इसमें पहले पार्ट में जो हमने बताया वो बताया कि भाई स्ट्रीम कैसे करता है, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या वाईफाई जो बताया भाई ने। और इस व्लॉग में हम बताना चाह रहे हैं आपको कि कौन कौन हमसे कैसे जुड़ा और किसने क्या हमारी हेल्प की और सभी भाई लोगों का प्यार हम इसमें बताना चाह रहे हैं आपको। तो आइए मिलते हैं अपने भाई से। और पट्टे आ जा, कितने पानी लेने गया था यार, पानी धोता नहीं। और बताओ भाइयों क्या हाल चाल है? तो भाई हमारा पट्टा बताएगा आपको क्या बात कर रहा है। अरे भैया बताओ यार, कौन जो अपने पुराने बंदे थे, सरकार जो भी था आपसे कैसे जोड़ा, सपोर्ट कैसे किया दोस्तों ने हमारे ने? तो भाई देखो, जब हमने स्ट्रीम स्टार्ट करी थी तो 100 सब्सक्राइबर करवाए थे इन्होंने, ये रे भाई, इन्होंने अपनी बिरादरी में पूरा फैला मारा। त्यागी ओपे इन द चैट। ये तो प्रवीण भाई भी आपके बोल चुके हैं, त्यागी जैसे मोड नहीं मिलते भाई, बहुत खुश नसीब लोग हैं हम जो इन्हें ऐसे मोड मिले हैं भाई का। पर भाई पहला बंदा पता नहीं मेरे को, पर जो बंदे जुड़े थे ना शुरुआत में पहली रेड में, वो था बड़े सरकार भाई। वो बंदा इतना टॉप था, कहता था भाई तुम्हें मैं ही फेमस करके मानूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं भाई बस आप लोगों का प्यार चाहिए। उसके बाद उससे रॉन्ग शुक, पहला बंदा जो मेरे साथ खेलता था वो था कालू और मैं पबजी लाइट खेलते थे दबा के। और एक फिर जुड़ा अमरीश पुरी की आवाज़ वाला लौंडा आकाश शुक्ला जी, हमारे बुद्धि से पैदल आदमी, पर सही है लौंडा मस्त है भाई, तगड़ा है। मस्त लौंडा भाई, पूरा सपोर्ट करा, CDF सब है वो साला। फिर उसके बाद भाई रोहन जुड़ा, जो आज कल जिसने सुपर चैटी मानी थी, रोहन था। उसके बाद भाई लेजेंड सत्या जो आजकल भतीजा बना हुआ मेरा। उसके बाद भाई एक दिन मैं और कालू खेल रहे थे तो बड़े सरकार ले गए फिर हमारी नानी को, नानी जुड़ी हमारे साथ, उनका नाम था लीजा, वो लोग ने चढ़ाते थे हम बहुत ज़्यादा। तो जब वो शुरू में जुड़ी तो भैया कालू यही कहता था इसकी हंसी देख, वहीं से उनकी कॉमेडी शुरू हो गई, उन्होंने दादू बना दिया, मैंने उन्हें नानी बना दिया भाई। और उसके बाद फिर भाई जुड़े, ऐसे ही चलते रहे। फिर उसके बाद जुड़े हमारे अमित भाई, रिक्की जी के, रिक्की वीवी सर के आपके बड़े भाई, उनके साथ खेलना शुरू करा। फिर भाई खेलते रिक्की सर भी आ गए। फिर उसके बाद भाई अपने निक भाई, उनके साथ एक कॉलैब हुआ था मेरा वीशु वाइटी के साथ, ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा पर लौंडा मस्त था क्योंकि कॉलैब में यार मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद ये RCMRO गेमिंग आया, अर्जुन गेमिंग आया। फिर उसके बाद अपना भैया रिक्की भाई तो जुड़े हुए थे हमारे साथ, फिर उसके बाद रिक्की भाई जुड़े, फिर हमारे निक भाई आए थे उनके थ्रू, और भाई पहले मेंबर भी वही हैं। और अपनी लाइफ की जो भाई पहली सुपर चैट मारी थी वो मारी थी प्रीति यादव जी ने, मतलब वो है तो अपनी मम्मी के आईडी से चलाता था, शिवानाम था उसका। और भाई ऐसी बस चलता रहा, मतलब बीच में सपोर्ट मिला नहीं मिला, फिर ऐसी भाई बहुत से लोग जुड़े, फिर आए गए, पर ये जो मैं नाम गिनवा रहा हूँ ना ये हमेशा रहे मेरे साथ और आगे तक रहेंगे भाई। उसके बाद एक गौरी मीना था भाई, गौरी मीना जुड़ा, वो उससे थोड़ी बहस हुई, उसके दोस्त था एक साथ आया नोबिता, वो मिला भाई, उससे थोड़ी बहसबाजी हुई, वो कह रहा पहले जा खेल रहे, ऐसे ही चलता रहा भाई। कुछ लोग आए जिन्होंने ढंग से सपोर्ट करा, कुछ लोग आए जिन्होंने ताने ही मारे, मैं चलो कोई नहीं भाई, बंदे आ तो रहे हैं। फिर उसके बाद भाई ऐसे ही चलता रहा ये सफ़र, फिर उसके बाद आज देख लो यही है भाई, इसके अलावा क्या है, कुछ नहीं है गाइस। मगर जो भी सपोर्ट था आपका तो उसके लिए इस वाली वीडियो में बस आपको इतना बताता हूं कौन लोग कैसे जुड़ा। ये वो लोग हैं जो मतलब हमेशा से, और एक नाम तो मैं भूल ही गया भाई, इसे भूल भी कैसे सकता हूँ, इसलिए मैं इसे लास्ट में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था क्योंकि ये लौंडा ही खास है। फैज मुझी भोपी में पाकिस्तान से लौंडा अपना, मस्त है भाई, बकचोद है एक नंबर का, आते ही छूटते कहता आई लव यू मेरी जान बेबी कैसी है भाई, मतलब लौंडा ने पटा लिया है मेरे को, एक दिन मुझे लगता पाकिस्तान लेकर चला जाएगा भाई, बचा लो। और भाई बहुत ही मस्त लौंडे है भाई ये सारे जितने भी जुड़े हैं। एक ये अमरीश पुरी की आवाज़ वाला लौंडा भाई, इसके साथ जब भी खेलो ना साला चिकन डिनर तो भूल जाओ, तुम चिकन डिनर क्या, तुम टॉप 20 में नहीं आ सकते, इतना तगड़ा खेलता है ये लौंडा। कुल मिला के गाइस पूरा सपोर्ट था आपका, और आई होप आगे भी आप ऐसी सपोर्ट करोगे। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, और भाई को सपोर्ट करो बहुत, आप देख ही रहे हैं कैसा हार्ड वर्क कर रहा है हमारा भाई, देख रहे हो भाई। मतलब वही थी दोनों पार्टों में जो डायलॉग, फिर को मन दाढ़ी कटवाने तक के पैसे नहीं बचे।
पैसे नहीं है तो थोड़ा पैसे तो तो है, मतलब भाई लॉकडाउन में कहाँ जाएगा इंसान, घर में कहाँ ही करे दाढ़ी वाड़ी बनवाए, अब पैसे। दाढ़ी अच्छी लगने लगी है ब्रो। और उसके बाद भाई देखो फिर जो सफर में जुड़े भाई अपने बड़े भाई अन्नू भैया, जोकर पेटीज 80s भैया वो, और मतलब उनका क्या ही नाम निकाले, पहले उन्होंने एक आईडी निकाली जोकर 80s, नानी उन्हें बुलाती थी जोकर पेटीज, मैं बुलाता था जोकर भैया पेटीज बुलाते थे उन्हें। और फिर उसके बाद उन्होंने एक आईडी बनाया बाबू भैया हूँ, फिर भाई बाबू भैया हूँ के नाम से आईडी भैया जुड़े, फिर उसके बाद टीम बनी अपनी, मैं जिसके साथ रैंडम खेलने के बाद में स्ट्रेस बस्ट करने के लिए खेलता था। तो भाई ये बंदे थे जो मेरे साथ जुड़े, मतलब ढंग से जुड़े हुए हैं, और भी बहुत बंदे हैं जिनका नाम शायद अभी ना नहीं याद आ रहा, लेकिन भाई उनका भी धन्यवाद है। ठीक है गाइस, तो तो जिसका नाम भाई मैं नहीं ले पाया हूँ तो सॉरी ब्रो, याद अभी फिलहाल इतना याद नहीं है, अगर भाई भूल गया हूँ तो उसके लिए सॉरी, आप कमेंट तो में करके बता देना, चूंकि तू मेरे तो भूल गया, राजू भाई थे ठीक है, अब धीरे धीरे याद आ रहे हैं ना भाई। पर ये बंदे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये रेगुलर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अभी भी नहीं ऐसा स्किप नहीं करा इन्होंने। बस इतना ही सफर था मेरे भाई, ये अब तक का सफर का पार्ट टू है। जिसे अच्छा लगा हो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और मतलब क्या दिक्कत है, और फैसले तू घटिया कमेंट मत करियो वरना तेरी कुत्ती तोड़ दूंगा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपको अनदर ब्लॉग में, जो हमारा अगला ब्लॉग होगा उसमें मिलते हैं आपको। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए अपने भाई को और सपोर्ट देख लो कीजिए, भाई, देख ये देख लो, दाढ़ी के सफेद बाल आ गए पट्टे भाई को स्ट्रीम सपोर्ट करते करो यार, करते। पट्टे को सपोर्ट करो। ठीक है भाई, ओके भाई। ओके।